सुप्रभात भाई दोस्तों, सबसे पहले प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो की नई शुरुआत करते हैं। आइए फिर कुछ खास करते हैं दोस्तों। जिस दिन का हमको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो दिन आ गया। काफी दिन से हमको रगरेट हो रखा था कि भैया हमारा हल कब लगेगा, तो आज हमारी बारी आ गई है। और आज की वीडियो की शुरुआत भी सीधे खेतों से ही हो रही है। अभी सुबह के 8:30 का टाइम हो रहा है भाई दोस्तों, और नाश्ता पानी करके हम सीधे आ गए खेतों की तरफ। बाकी आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम सुबह से ही दोस्तों खराब हो रखा है। दीवा डांडवली में देखोगे तो चारों तरफ धुंध लगी पड़ी है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बारी बारी कर रहा था दोस्तों कि हमारी बारी कब आएगी हल लगाने की। तो बात कुछ ऐसी है कि हमारे गांव में एक भी परिवार में ना, मतलब इतने सारे परिवार है, एक भी परिवार के पास बैल वगैरह नहीं है। तो हमारा हल लगाते हैं हमारे हरीश भाई हैं तिमलान के, यहाँ से पास में ही है, यहीं पे हमारी एक ही ग्राम सभा है। तो भैया क्योंकि गांव में तो कुछ है नहीं, तो अब बाहर से ही मंगाने पड़ेंगे, तो इसलिए बोल रहा था कि धीरे धीरे करके, मतलब बारी आती है कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, आज हमारी बारी है। चलो भाई, हल लगाने की शुरुआत भी हो गई है बढ़िया से। बाकी माँ भी लगी हुई है यहाँ पर खड़ का तैयारी इकट्ठा करने पे। राम राम जी, राम राम। क्या हाल चमेल बात हमारा? ठीक तो है, बाण बगे बधाई हो, तुम्हारे बाहर आ गया किले तुम्हारे लास्ट में आन की किले नींद टाइम से पैसा दिया करा अबे यार, मतलब सुनाया जा रहा है हरीश भाई को, सुनाया जा रहा है। ये हल वगैरह तो दोस्तों ठीक है, बट मुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है, जहाँ चावल की खेती होते है ना, सारे लगते है। जहाँ यार मेरी दिल से इच्छा है कि एक बार मैं भी सारे लगाऊं यार, पर देखते हैं कभी मौका मिलेगा तो पक्का जाऊंगा मैं। इस सारी में दोस्तों हमारे पास 3 खेत हैं अपने, और 2 खेत हैं मेरी माँ की मौसी जी के, तो उनके 2 खेत करते हैं हम, और 3 खेत हमारे हैं अपने। बाकी यार उजाड़ पुजाड़ इतनी ज्यादा हो रखी है कि वो भी मतलब ना के समान हो रखे हैं वो खेत। तो भाई दोस्तों आज सुबह की मेरी सबको राम राम। आज हम बोई करेंगे और 2 खेतों को बाय के छोड़ देंगे, 3 खेतों में बूतेंगे हम मर्स। ये हमारा हल हमको सबसे पीछे पीछे सबसे आगे बांटता था, अब हमको सबको पीछे पीछे बांट रहा है। यू कभी तो बनी हुआ बाज ना यू कभी तो बनी हम संत चाल गया वो करने हाँ ये बांट देता हुआ था भी वो बाज रहा था, ये तो कम मर्ची की बुद्धि बिना ने बिचारे का निर्णय है खामा तूने आंखों पैसों बांटी बहुत ज्यादा होगी फिर दिन दा ना ना सही बात है। अब बार अब ये थे बूथ वे थे बूथ मर्च बूथ क्या अपने भाई दौड़े हिसाब ही न हो जान की जब मतलब बाना टैमान ना तो हल्ले तो दुई जी अरे हूं क्या कि वो पूरे गांव के बंदे ना अरे जन कल एक स्टार्ट कर ना भाई सब सर रे गांव वालों को रगरेट जी पहल में आ रहा जी पहल में आ रहा जी पहल में आ रहा सब न जीने पड़े न जीने पड़े न जीने पड़े। अब दुई हल्ले यार कद का जिबाना, अभी एक दिन हम जरसी बहन ना जद बहन चूदे तो बहन न जी ना बोल म्यार भी बाह न जी म्यार भी बाह न जी म्यार भी बाह इन हो जान। मैं बोलता हूँ और दिन की भाई दोस्तों ऐसा मौसम हुआ ही क्यों भाई, पर आज ना मैं बोल रहा हूँ ऐसा मौसम ही ठीक है, क्योंकि भाई हल लगाते टाइम अगर धूप लगी है तो भाई हालत ऐसी खराब होती है कि क्या ही बताएं यार। एक तो भाई दोस्तों हमने बाई दिया है एक खेत, अब दूसरे खेत में हम जा रहे हैं। तो माँ यहाँ से देखो बल्दों को ले जा रही है, बल्द देखो बल्दों की जोड़ी नई जोड़ी है ना, तो कितने जबरदस्त लग रहे हैं ना। लो भाई भाभी भी आ गई है भाई खेत में, भाई आपका स्वागत है। हाँ बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा कूलर कूलर लियो आप लाती है बस पकड़ा है कूलर नींद मिलो थोड़ा छपकाना बल हो कुकी था भाई ब्याह नवाच और अभी बोल तो दगड़िया खमता का दुयू था लाल था अरवे था भाई यार औ फारक पड़े गया रोड है रोड और सीधा सीमेंट बागी जय जी नुना गया भाई 100% जानो और जानू छ। इस वाले खेत में भी दोस्तों हल लगना स्टार्ट हो गया है बढ़िया से। हरीश भाई राम राम, क्या हाल है? बढ़िया भाई। ये बढ़िया बल्द ला रखे आपने, कहाँ से लाए? किलो खाल से। अरे वाह बड़ी दूर से लाया यार, डमरा दिया क्या आपने? हाँ भाई राम दिया। हाँ जी। वो डमराना मत है। ठीक है जी। अच्छा से लगाना है। ठीक है। ये खाना बिचली नहीं मारती। जैसे पैसे मिलेंगे वैसे लगेगा हाल भी। जैसे पैसे मिलेंगे वैसे लगेगा हाल भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये वाला पेड़ ध्यान से देखो भाई दोस्तों, इसकी पत्तियां देखो कितनी लाल हो रखी है भाई पूरी सारी में। दोस्तों ये पेड़ ना एक ही है, बाकी दोस्तों अगर किसी को इस पेड़ के बारे में पता है, इसका नाम पता है,
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अभी मैं हूं दोस्तों भंगरो रोल में, तो ये पूरा रोल है और यहाँ पे एक फील्ड भी है। तो किसी टाइम पे दोस्तों हम छोटे में यहाँ पे खेला करते थे, बाकी अभी ये ऐसे ही हो गया है, सरकार के द्वारा बहुत पहले बनाया गया था। बाकी पहाड़ों में दोस्तों जिस जगह के नाम के पीछे रोल लगा होगा ना, तो वहाँ 50% चांस होते है कि वहाँ पानी होगा ही होगा। तो भाई दोस्तों उन 50% में एक ये वाली जगह भी आती है, यहाँ खूब सारा पानी है। तो यहाँ देखो ये पानी हमेशा ऐसे ही बहता रहता है। पता ये पानी आता कहाँ से? हमारी टंकी है ऊपर, वहाँ ओवरफ्लो हो जाता है ना जब पानी, तो वो नीचे आता रहता है और डेली ऐसे ही बहता रहता है। बाकी ये दोनों भी यहाँ नहाने आ रखे। ए नवा दी तुम दीदे। इस पौधे का नाम क्या है दोस्तों? वो तो मुझे पता नहीं है, अगर किसी को पता है तो जरूर बताना। बट इसका यूज एक बार मेरे पे हुआ था। वो क्यों हुआ था वो मैं बताता हूँ। बचपन में क्या हुआ कि हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो मेरी कमर में एक बार बड़ी खतरनाक वाली झसाव पड़ गई थी, तो कमर बड़ी खतरनाक ही दर्द होती थी। तो माँ ने क्या किया कि भाई ये वाली पत्ती लेके घर जाती थी, और उसके बाद गाय का घी होता है ना, गाय का घी, तो उसमें पहले मेरी कमर में खूब देर तक मतलब मालिश करती थी, और उसके बाद ये वाली पत्ती क्या है, इस पर भी हल्का फुल्का घी लगा के और थोड़ा गर्म करके उसको सीधे मेरे कमर पर चिपका देती थी और किसी कपड़े से बांध देती थी। ऐसे ही लगभग 1-1.5 हफ्ते चला, और उसके बाद दोस्तों मेरी कमर का दर्द इतना खतरनाक गायब हुआ कि आज 24-25 साल हो गए हैं, अभी तक वो दर्द नहीं हुआ। कहीं कहीं तो दोस्तों पानी की इतनी किल्लत है कि हालत खराब हो जाती है पानी के लिए, बट कहीं कहीं भाई ऐसे देखो पानी ऐसे ही वेस्टेज बहता रहता है। ऊपर टंकी है वहां से पानी आता है, और यहाँ अंडरग्राउंड होके और यहाँ से देखो यहाँ पर से बाहर निकल जाता है। इधर देखो भाई यहाँ से इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, अंडरग्राउंड यहाँ से बाहर निकलता है पानी और सीधे आगे चले जाता है। कहीं भी जाओ ना भाई दोस्तों, रोल का पानी जो है ना वो हमेशा आपको ठंडा ही मिलेगा, फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती। पानी कम पिया भी ज्यादा क्यों। दो ही अल्लाह है भाई दोस्तों, एक हमारे यहाँ पे देखो विनोद भाई है, जिनके बल्दों के नाम पता नहीं क्या क्या हैं, अनोखे नाम रखते हैं। नाम नहीं बताना यार, तुम मेरे दांत मत निकाले कर। दांत नहीं आ रहा तो तुम नाम बता जा, नाम बता जा जरा। दांत निकाले। अरे लाल बेलो भल सा जुड़ो पिंगली साड़ी माँ, लाल चढ़ी गमालू तेरी गलड़ी माँ। राम राम जी। राम राम। कहाँ चल दिए? अरे भैया बोल धोल नहीं। अच्छा हल्की बारी हो गई पूरी? अजी हाँ, मर्च बूदी है कल है, मोल नहीं धोला अभी। चलो बहुत बहुत शुभकामना है। अरे वाह, ये तो दीपू पटवाल बाहर आए, ये देखो, ये देखा तुम्हें, देखा तुम। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, और ठीक ठाक? बड़े बड़े कदम उठाओ, छोट कंडुली का कल लगणो है ले। अटक अटक, ये तो मट्टे बार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बार है। अच्छा हां, मोट मोटी सीमा डाल, पतली पतली डाल। अरे वाह, कितना अच्छा बार आए, थू 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 दाग में लग गया। अभी थोड़ा सा बैलों को आराम दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे चाय की चुस्की ली जा रही है, खेत की चाय का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। ये नए बल तो छिपाई दोस्तों, तो ये बाकी सब चीज तो ठीक से पर यार, यार मुझे तो मल्ला सुनो चाहिए, लाल लाल था, लत्ती मार दे भाई, मीन खींची क्या तीन खेत हो गए हैं दोस्तों, और एक को हमने उसमें हल लगाया नहीं, उसको ऐसे छोड़ दिया, उसको दूसरे दिन लगाएंगे। बाकी एक लास्ट खेत और बचा हुआ है हमारा ऊपर, तो वो हो जाए उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। दो खेतों में नीचे तो दोस्तों हमने मिर्ची वगैरह बोई, और एक खेत यहाँ पे है तो उसमें भी मिर्ची बोनी है हमने, और एक खेत और उसमें एक और खेत में हल लगाया था, तो उसमें हमने कुछ भी नहीं डाला क्योंकि अभी उसमें दाल वगैरह डालेंगे। ये वाला लास्ट खेत बचा हुआ है दोस्तों, और एक चीज देखो, यहाँ देखो हमने पिछले साल ये अखरोट का पेड़ लगाया था यहाँ पे, अब बढ़िया से हो गया है। यहाँ पे दोस्तों एक टाइम पे ना इतना बड़ा पेड़ था ना, खूब सारा पेड़ था, खूब सारे अखरोट भी होते थे, बट वो काफी पुराना हो गया था, उसके बाद वो सड़ा और टूट गया, अब उसकी जगह में हमने यहाँ पे दूसरा पेड़ लगा दिया है। तो भाई दोस्तों ये पेड़ ये भी है अखरोट का, और इसको भी है, उसके साथ का बड़ा हो गया, और ये पता नहीं क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या पता इसके नीचे पत्थर हो तभी नहीं बढ़ रहा है।
1:30 का टाइम हो गया है भाई दोस्तों, और अब जाके हमने पुरे आया है। अभी पुरे हुई थी क्या अभी थी रहा। कोलो हाँ तो वो तो बाणी बांध रहे है भाई, पसीना पसीना हो गया क्या बोना। चलो बाघ जन भी भाई पूरे गया है, हाल टूट गया बस इतना हो गया कि हाल टूट गया। ये खा कर देखो भाई दोस्तों, इनको देख के अपने बैलों की याद आई है बचपन की, अगर आई है तो कमेंट करो। बैलों के गले की शान होती है भाई दोस्तों खा कर। देखो अब तो बैल ही कम देखने को मिलते हैं, वो खा कर तो फिर गायब हो गए ना, बट जब भी देखने को मिलते हैं मजा आ जाता है। सुबह हल लगाने के बाद दोस्तों जैसे ही मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैंने फटाफट से खाना खाया और जैसे ही बिस्तर हुआ भाई इतनी खतरनाक वाली नींद आई ना, क्या ही बताऊं यार, भयंकर वाली। अब जाके नींद खुली है और शाम के 5 बजे का टाइम हो गया है, और मौसम देखो, मौसम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, जैसा सुबह था वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, बारिश के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। सुबह हमने दोस्तों यहाँ पे हल लगाया था, तो यहाँ पे देखो भाभी और माँ गोबर फोलने का काम कर रहे हैं। आज मिर्ची बोई दोस्तों, तो उसके बाद उसके ऊपर ना गोबर फेंकना पड़ता है, तो वही कर रहे हैं। बाकी इधर से गांव का कुछ ही हिस्सा दिखाई देता है, तो यहाँ देखो तो कुछ इस तरीके का गांव है हमारा, यहाँ से भी बढ़िया ही लग रहा है। मंदिर में भी दोस्तों भजन लगने स्टार्ट हो गए हैं, तो भजन चल रहे हैं बढ़िया से। बाकी शाम के टाइम पे मन सेम ऐसा हो जाता है जैसे मौसम हो रखा है, देखो ऐसा ही सेम मौसम भी सुस्त सा हो रखा है, और मन भी कुछ ऐसा ही हो जाता है शाम के टाइम पे सुस्त सा। बाकी शनि मंत्रालय के हाल तो क्या बताऊं दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से फसोर के सो रखे हैं। यहाँ देखो थोमरो सो रखी है, सानो सो रखी है, अब बाकी ये तीनों खड़े हो रखे हैं। लोची भी खूब चक्कर मार रही है यहाँ देखो चौक के, और कुकी को मैंने बांध दिया क्योंकि ये इधर उधर ही भाग रहा है, उल्टे काम कर रहा है। 6 बजे का टाइम हो रहा है अभी दोस्तों, और सनसेट का तो क्या ही बताएं यार, आज तो ना सनराइज का पता चला और ना सनसेट का पता चला, सुबह से ही मौसम ऐसा हो रखा है। थोड़ी बहुत बीच में धूप आई थी सुबह दिन में हल्की, बट उसके बाद से कुछ नहीं हुआ।